तो गाइस देखो ऐसा मंडप बनाया था जो कल आपको थोड़ा सा दिखाया था। हे गाइस दिस इज जय सियालिया। टाइम हो रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कुर्ता डाल लिया क्योंकि अभी गणपति बाप्पा की स्थापना करने है इधर। तो हमारा मंडप भी ऑलरेडी बन के रेडी है, थोड़ा डेकोरेशन भी करना है, पर एक ही साथ थोड़ी देर में अभी मिलते हैं। पहले सब कुछ तो रेडी कर लेते हैं और आपको पहले मंडप दिखा देता हूँ, अपने मूर्ति भी ठीक से दिखा दूंगा। और आज ही स्थापना करने मतलब 10:30 बजे के आसपास करनी है, पर अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट है हमारे पास। तो जल्दी से पहले रेडी हो जाते हैं सभी लोग और बाद में स्थापना करते हैं। तो गाइस देखो ये रहा हमारा यहाँ पे मंडप जो कि बनाकर हमने रखा है, रात को ही बना दिया था। और यहाँ पे हमारी मूर्ति भी है और ये जो कल रात को लाइट दिखाई थी मैंने ये ऊपर कलर कर दिया। पहले एक कलर किया था, पहले तीन कलर किए थे हमने, बाद में उसको निकाल के एक कलर किया। तो देखो ऐसा कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन आता है ऊपर, येल्लो येल्लो टाइप से देखो। पर अभी उजाला है तो थोड़ा बहुत ही दिखेगा, इंसर्ट देखो ऐसा दिखता है पूरा। तो गाइस देखो जो स्थापना करनी है वो सामान भी रेडी, हार भी रेडी है, इसमें भी फूल रेडी है और जो गणपति बाप्पा के हाथ में देना है वो भी रेडी है। भगवद गीता भी कौन कौन पढ़ता है, हाँ वो हाथ में रखना है गणपति बापा के। और ये पत्ते भी आ गए देखो बहुत सारे, आसो पालो के बाद में आ कोई नागरवेल, हाँ तो मुझे नाम नहीं पता था तो सुन लो आप भी। ये बड़ा वाला है वो नागरवेल, ये छोटे छोटे है वो ए वाले लंबे आसो पालो ए वाले। तो फाइनली गाइस मंडप रेडी और पूजा भी स्टार्ट हो गई, मतलब जो भी स्थापना करने। और यहाँ पे पापा और दादा के साथ वीडियो कॉल भी स्टार्ट हो गया, स्टैंड लगा दिया हमने। और ये रहे हमारे गणपति पापा कि अभी ये वाला कवर निकालेंगे, बाद में रखेंगे स्थापना करेंगे तब। और बलून भी यहाँ पे ही रख दिया अभी फुला कर। दादा पापा और ये हमारा तीनों का वीडियो कॉल साथ में। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो ही गई है। मोरिया मूर्ति मोरिया। अभी नीचे भी आरती करके आ गए, पर यहाँ वहाँ पे अभी डेकोरेशन थोड़ा सा बाकी था तो मैं सोचा अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले हमारा ही दिखा देते हैं। गणपति सो गाइस अभी मैं चेंज भी कर लिया, मतलब पूरा दिन तो कुर्ता भाई सब नहीं पहन सकते हम। और नीचे ढोल भी उतने बज रहे, नगाड़े ढोल नगाड़े बजे ही जा रहे। सो जब मैं छोटा था तब मैं भी बहुत बजाता था ऐसा, जब ना बोलते थे कोई तो जोर से बजाता था, मतलब समझ रहे हो, छोटे थे तब ऐसे बजाते थे। पर अभी तो नहीं बजाता हूँ क्योंकि अकेले क्या बजाएंगे। सो गाइस हमारा टाइम हो गया लंच का, ऑलमोस्ट 1 बज गए। सो लंच करते हैं अपने चावल मूँग की सब्जी रोटी गुड़ मतलब वही नॉर्मल जो होता है। सो अपना लंच करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया। और दोपहर को मतलब क्या सॉन्ग बजा रहे थे लोग यहाँ पे आसपास में दोपहर को भी। और हाँ अभी चाय पी के हम नीचे चलते और पार्किंग में जो गणपति है ना वो आपको दिखाता हूँ, मंडप वगैरह सब कुछ अंदर से डेकोरेशन वाला आई थिंक हो गया होगा अब तो पूरा। तो अभी चाय के बाद चलते हैं नीचे देखने के लिए, पहले चाय पी लेते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं हमारे बिल्डिंग के गणपति देखने, पर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वापस नीचे आना पड़ेगा। तो अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, नहीं 6:30 अभी जा रहे हैं। तो गाइस देखो ऐसा मंडप बनाया था जो कल आपको थोड़ा सा दिखाया था, समझ रहे हो मतलब गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस देखो यहाँ पे बन रहे लड्डू के लिए, ठीक है चूरमा के लड्डू। और अभी तला जा रहा है इसको, अभी सब कुछ हो एकदम चूरन करके एकदम छोटू सा बना देंगे एकदम मिक्स करके। देखो अभी तला जा रहा है। और ये सारी दाल है क्योंकि आज बनने वाली है दाल बाटी।
और आज ही अपना मैच हांगकांग के साथ पहला मैच, मतलब वैसे दूसरा पर वैसे पहला, तो अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ तो मैच भी देखते हैं। और आपने नीचे के गणपति देख लिए जो हमारे बिल्डिंग के हैं, और कैसे लगे बताना, और कमेंट में हार्ट स्पैम कर दो करना चाहते हो। और यहाँ पे तेल के छींटे उड़ते हुए ऑयल उबल रहा है उसमें से। तो गाइस देखो अभी गणपति बापा के लिए मस्त अपना प्रसाद रेडी है, घी के मस्त लड्डू चूरमा के। तो गाइस हमारे गणपति बापा की आरती भी हो चुकी है शाम की, और अभी डिनर भी रेडी है दाल बाटी पर। हाँ उससे पहले देखो प्रसाद जो कि एकदम मस्त चूरमा के लाड़ू, मस्त एकदम मस्त घी वाले, एकदम मजा आएगा। तो मैंने तो प्रसाद ले लिया पर आपको दिखाने के लिए, मतलब आपको दे तो नहीं सकता पर दिखा तो सकता हूँ, तो दिखा दिया। तो अभी हमारी मस्त दाल बाटी डिनर करते हैं। और गर्मी भाई साहब आज से स्टार्ट हो गई है फुल गर्मी आज। तो फाइनली गाइस विराट कोहली के 50 भी हो चुके हैं, तो तालियां तो बनती है खड़े होके, पर हाँ बहुत दिनों के बाद आई है तो मजा आ गया, मतलब वही वेट कर रहा था जब 50 हो मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ। सूर्य आगे हो गया विराट कोहली से 60 रन, 3 बॉल में 3 सिक्स लास्ट ओवर में, अभी भी 3 बॉल बाकी है, चौथी बॉल जा रही है गई। अरे बच गए, वाइट इज दिस वाइट और नॉट, नो 0 रन। तो गाइस अभी मैच भी ख़त्म हो गया, इंडिया वो मस्त जीत गई, और सूर्य कुमार यादव के 69 या कुछ रन हुए थे, विराट कोहली भी 59 कुछ थे। और अभी इसी टू को यहीं पेंट करते हैं, आधा एडिट हो चुका है, आधा एडिट करना बाकी है। सो इसी टू को भी यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। आज है मैच अपना हांगकांग के साथ, तो अरे